हाय गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू आर गेटिंग पिक्चर्स। सो गाइस, अगर आप भी एडिटिंग करते हैं तो आपको डॉज एंड वन ट्रिक के बारे में जरूर पता होगा। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, एक ऐसा ट्रिक है जो हम मैनिपुलेशन और टचिंग के टाइम में यूज़ करते हैं, जिससे हमारे जो हाईलाइट वाला पार्ट है वो और ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है और जो डार्क वाला पार्ट है वो और ज़्यादा डार्क हो जाता है, जिससे हमारी फोटो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। तो अगर आप भी डॉज एंड वन ट्रिक यूज़ करते वक्त अपने लेयर को ओवरले रख के डॉज एंड वन करते हैं तो ये ट्रिक आपका बहुत ही गलत है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ डॉज एंड वन करने का सही तरीका, जो एक्चुअली फोटोशॉप की ट्रिक है। ये तरीका हम फोटोशॉप में यूज़ कर सकते हैं, तो वो तरीका आज मैं आपको फोन ही बताने वाला हूँ। तो वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले, तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट है। सबसे पहले आपने अपनी फोटो सेलेक्ट कर लेनी है और उसको अपने ऑटोडेस्क स्केचबुक में ओपन कर देना है, क्योंकि ये स्टेप से ऑटोडेस्क स्केचबुक में ही हो सकता है। तो मैंने अपनी वाली फोटो सेलेक्ट कर ली है, जिसमें मैंने पहले ही कलर ग्रेडिंग कर ली है और स्किन स्मूथ कर चुका हूँ। तो अब हम चलते हैं अपने मेन स्टेप की तरफ। तो सबसे पहले हमने एक लेयर क्रिएट करना है और उसमें कलर फिल करना है। तो हमने यहाँ पे सभी ह्यू सैचुरेशन को कम करके जो ल्यूमिनस है उसको रखना है 50%, और यहाँ चलना है हमने फिल पे और इस लेयर को फिल कर देना है 50% ग्रे से। फिर चलना है ब्लेंड मोड पे और ब्लेंड मोड रखना है हमने सॉफ्ट लाइट। फिर अब हमने डॉज करना है तो हम कलर सेलेक्ट कर लेंगे वाइट, वाइट कलर हमने सेलेक्ट कर दिया है। और ब्रश सेलेक्ट करेंगे हम फ्लो एयर ब्रश। तो डॉज हम करते हैं अपने इस वाले पार्ट पे स्किन के, तो ब्रश में सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं, हमारा फेस थोड़ा ग्लो हो गया है, आई नो थोड़ा ओवर लग रहा है, तो उसका मैं ओपेसिटी कर दूंगा अराउंड 76। ठीक है, आप सही लग रहा है। फिर से हम लेयर क्रिएट कर लेते हैं और सब कलर सैचुरेशन माइनस करके बस रखना है 50%। फिर से चलना है फिल वाले टूल पे और इसको फिल कर लेना है। मैं इसको फिल कर लेता हूँ। सो इसका ब्लेंड मोड रखूँगा मैं सॉफ्ट लाइट और इसको कर दूंगा डुप्लीकेट। तो अब हम पूरे बॉडी पे ओवरऑल डॉज करेंगे, तो कलर वाइट, ब्रश में थोड़ा यही फ्लो एयर ब्रश, और इसका साइज़ में थोड़ा इंक्रीज़ कर लेता हूँ और डॉज कर लेता हूँ। पहले मैं जो हमारी फ़ोटो में वाइट पार्ट है मैंने वहीं पर डॉज करना है, जैसे यहाँ पे वाइट है इसको मैं और थोड़ा वाइट कर दूँगा, हाईलाइट्स को और ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर मैं। तो ये हमने डॉज कर लिया है। तो अब हम बर्न करेंगे। अब बर्न करने के लिए हमने यहाँ से चलना है कलर पे और ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेना है। तो पहले मैं लेयर को डुप्लीकेट कर लेता हूँ, तो मैं बर्न कर लेता हूँ। तो इसमें आपको फोर एंड आफ्टर दिखाता हूँ डॉज का, ये रहा डॉज, आई होप आपको दिख रहा होगा फोर एंड आफ्टर, और ये रहा बर्न। तो ये अभी हमने से अपने मॉडल किया, अब मैं बैकग्राउंड पर डॉज एंड बर्न कर लेता हूँ, सेम स्टेप से ही होगा। वो दिखाता हूँ जो मैंने बैकग्राउंड पर डॉज एंड बर्न किया है, बिफोर एंड आफ्टर, आपको फ़र्क दिख रहा होगा बिफोर एंड आफ्टर। सो मेन हमने लाइट पेंटिंग किया है, इसको हम लाइट पेंटिंग भी बोल सकते हैं। वो अपने आईज़ पे हाईलाइट कर लेता हूँ, मैं दिखाता हूँ कैसे करना है। फिर हमें एक लेयर क्रिएट करना है और वही 50% ग्रे फिल करना है लेयर में, और ब्लेंड मोड रखना है डॉज, ओह सॉरी सॉफ्ट लाइट। तो हमने आईज़ में डॉज करना है, तो कलर सेलेक्ट करेंगे वाइट और ब्रश का साइज़ हम छोटा कर देंगे। तो हमने आईज़ पे ऐसे कर लेना है। इस फोटो में बहुत ही अच्छी लुक आती है, आज शायद आपको दिख रहा होगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बट फोटो अच्छी इन्हेंसमेंट हो जाती है। आपको दिखाता हूँ जूम करके, फोर आफ्टर, फोर एंड आफ्टर। सो गाइस, ये था हमारा डॉज एंड बर्न का ट्रिक। तो मैं आपको वीडियो का रिकैप देता हूँ, हमने कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमने एक लेयर क्रिएट करना है, यहाँ से हमने सभी कलर का सैचुरेशन ह्यू माइनस करके लुमिनस रखना है 50%। हमें इसको कर देना है फिल
फिर हमने यहाँ चलना ब्लेंड मोड पर। ब्लेंड मोड रखना है सॉफ्ट लाइट, तो फिर जहाँ पे जो फोटो में सबसे ज़्यादा हाईलाइट वाला पार्ट होगा, जैसे वाइट पार्ट होगा, वहाँ पे हम वाइट पेंट कर देंगे, और जो डार्क वाला पार्ट होगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा शेडोज़ पड़ रहेगी वहाँ पे हम डार्क कर देंगे। सो बस ये हो जाएगा डॉज एंड बर्न। मैं आपको भी फोटो दिखाता हूँ, पता चल गया कि बहुत ही कमाल की चीज़ है। अगर आपने सीख लिया तो आपकी फोटो और भी एनहांसमेंट हो जाएगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।